हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शादाब ग्राफिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर का पता कर सकते हैं, वो भी बिना कहीं जाए अपने मोबाइल फोन से ही। अगर आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराना चाहते हैं या फिर और कोई करेक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने आसपास के आधार सेंटर कैसे सर्च कर सकते हैं, तो यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर पता करने के लिए आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पर आप सर्च करेंगे UIDAI। टाइप करने के बाद आपको इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट शो होगी, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ थोड़े ही नीचे आपको एक ऑप्शन शो होगा, आधार सर्विसेज। इसमें यहाँ पर आपको वेरीफाई एन आधार नंबर ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, वेरीफाई एन आधार नंबर और वेरीफाई एन ईमेल और मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पर वेरीफाई एन आधार नंबर पर ही क्लिक करना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आधार नंबर एंटर करना है, जिस भी आधार नंबर का आप मोबाइल नंबर चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। अब आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड देखने को मिल जाएगा। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपको ये कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है और आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक ये सिंबल देखने को मिल जाएगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कैप्चा कोड चेंज हो जाएगा। तो आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एक बटन शो होगा, प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार। आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आधार होल्डर की पूरी डिटेल खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार नंबर शो होगा, नीचे यहाँ पर आधार होल्डर की एज बैंड और उसका जेंडर भी शो होगा। आधार होल्डर का स्टेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए पूरा मोबाइल नंबर शो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट ही देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको यह आइडिया हो जाएगा कि आपका यह मोबाइल नंबर चालू है या फिर पुराना बंद हो चुका है। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर शो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आपको NULL करके लिखा हुआ शो होगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आप उसको लिंक कराना चाहते हैं तो आप कैसे कराएंगे ये मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए आपको अपने नज़दीकी आधार सेंटर पर जाना होगा। तो अपने नज़दीकी आधार सेंटर का पता आप कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से, चलिए जानते हैं। आधार सेंटर का पता करने के लिए आपको फिर से आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर गेट आधार का ऑप्शन दिखाई देगा, जस्ट इसी के नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर। आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, स्टेट, पोस्टल पिन कोड या सर्च बॉक्स। अगर आप पिन कोड के ज़रिए सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पोस्टल पिन कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्लिक करना है स्टेट पर। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने बहुत सारे स्टेट्स की लिस्ट खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आप अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको शो होंगे, आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। सब डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी तहसील है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद विलेज, सिटी, टाउन में आपको अपना शहर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सिटी देखने को मिल जाएंगी। जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको शो ओनली परमानेंट सेंटर्स, इस पर टिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा शो होगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है लोकेट ए सेंटर पर। उसके बाद जितने भी एनरोलमेंट सेंटर आपके एरिया में आते होंगे वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे एनरोलमेंट सेंटर मेरे आसपास यहाँ जितने भी हैं वो आपको यहाँ पर सभी देखने को मिल जाएंगे। इनमें से किसी भी सेंटर पर आप जाकर अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने आसपास के एनरोलमेंट सेंटर सर्च कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह का कोई भी करेक्शन कराते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की एक एनरोलमेंट स्लिप मिलती है, जिसका यूज करके आप अपने आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका आधार अपडेट हुआ है या नहीं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आधार कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक को भी जरूर कवर करूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।